नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल, अमित शाह बोले, आज पीएम मोदी को मुझसे ज्यादा जानती है जनता। पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, एक आरोपी रिहा, पीएम मोदी ने की थी रैली। पश्चिम बंगाल में गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर रोक, 25 अक्टूबर को जारी आदेश में एक साल के लिए बिक्री पर लगा प्रतिबंध। राजधानी में 1 नवंबर से खुलेंगे सभी क्लास के स्कूल, छठ की भी इजाजत, कम होते कोरोना मामलों के बीच लिया गया फैसला। अमित मालवीय का नवाब मलिक पर हमला, कहा एनसीबी अधिकारी वानखेड़े से मलिक निकाल रहे हैं निजी खुन्नस। रूस के S-400 सौदे पर अमेरिका के दो सीनेटरों ने जताई सहमति, राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखकर भारत पर प्रतिबंध न लगाने का किया आग्रह। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कैबिनेट में किया फेरबदल, भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद को बनाया रक्षा मंत्री। पेंट्स कंपनियों के शेयर में लौटी चमक, दाम बढ़ने से एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स के शेयरों में आई तेजी। शोएब अख्तर ने दिया पीटीवी स्पोर्ट्स से इस्तीफा, टीवी कार्यक्रम छोड़ बोले, मुझे बाहर निकलने को कहा गया। भोजपुरी फिल्म आशिकी के ट्रेलर ने मचाया धमाल, खेसरीलाल यादव और अमरपाली दुबे की जोड़ी ने लूटा फैंस का दिल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।